नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ झटपट गाजर का अचार। झटपट गाजर का अचार बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। गाजर 300 ग्राम, पीली सरसों 2 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच या स्वाद अनुसार, भुना जीरा पाउडर 1 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच, आमचूर पाउडर आधा चम्मच या स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, कलौंजी आधा चम्मच, हींग 1/4 चम्मच, सरसों का तेल आधा कप या आवश्यकता अनुसार। सबसे पहले गाजरों को 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे और साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। चाकू की मदद से गाजर का छिलका उतार लेंगे। हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, यानी कि हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें। दोनों ओर से गाजर को काट लेंगे। मन चाहे आकार में एक कटोरे में काट लेंगे। 2 से 3 चम्मच नमक डालकर मिलाएंगे और ढककर 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे कि इसमें से अतिरिक्त पानी निकल जाए। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, एक प्लेट में निकाल लेंगे और नीचे जो बची गाजर है उसको एक कटोरे पर छलनी रखकर छान लेंगे, जिससे कि उसका अतिरिक्त पानी निकल जाए। गैस जलाएंगे, पैन में तेल डालकर गरम करेंगे। इसको हम तेज गरम करेंगे जब तक कि धुआं ना उठ जाए। तेल गरम हो चुका है, एक कटोरे में दरदरा कुटी हुई पीली सरसों, सौंफ इसको भी हमने दरदरा कूट लिया था, अजवायन, आमचूर, कलौंजी, मेथी दाना, धनिया पाउडर, लाल मिर्च स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, हींग, भुना जीरा डालेंगे, मिलाएंगे। गाजर डालेंगे, मिलाएंगे। आप इसको बनाकर 8 से 10 दिन के लिए रख सकते हैं। तेल हल्का ठंडा हो चुका है, तेल डालकर सामग्री को मिलाएंगे। इसमें लगभग आधा कप तेल लग जाएगा। झटपट गाजर का अचार बनकर तैयार हो चुका है। गाजर के अचार को एक कांच के जार में भरकर 8 से 10 दिन के लिए रख लेंगे और जब आपका मन चाहे तब आप इसका सेवन किसी भी व्यंजन के साथ कर सकते हैं। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट maankirasoi.net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।